अभी सरकार ने भी कहा है कि हम लोगों द्वारा चंद्रशेखर उनको छोड़ा गया है, तो उसके उस पर क्या कहना? सरकार को कल जो है मुखी खानी पड़ती सुप्रीम कोर्ट में, कल सुप्रीम कोर्ट में तारीख है, तो सरकार इतनी डरी हुई, सरकार को पता सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगेगी तो फिर तबीयत खराब हो जाएगी, फिर दोबारा मुकदमे नहीं लगा पाएंगे, फिर चंद्रशेखर को दोषी नहीं कह पाएंगे, तो इसलिए अपनी जान बचाने को उन्होंने कर लिया, मैं तो समझता हूँ उन्हें, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वो जल्द ही कोई घटना करवा के मेरे ऊपर उसका आरोप मन देंगे और मुझे दोबारा से राष्ट्रपति में डालने का काम करेंगे। मेरे लोगों को चाहिए, मेरे समाज के जो लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, वो तैयार रहें, ये चीज़ें होती रहें, क्योंकि मैं ईमानदार से आवाज़ उठाऊंगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा, तो मेरे खिलाफ ये चीज़ें चलती रहेंगी, मुझे भरोसा 10 दिन में हो जाएगा कुछ ना कुछ, उसका आरोप मेरे पर लगा के मुझे दोबारा से राष्ट्रपति में करेंगे, क्योंकि मुझसे चुनाव बचाना चाहते हैं, उन्हें पता चंद्रशेखर बाहर रहेगा तो बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती 2019 तो, इसलिए मैं किसी भी सूरत में मैं जेल जाना पसंद करूंगा, लेकिन अपने लोगों से कहूंगा भाजपा को 2019 में सत्ता से उखाड़ फेंके, वो हमारे विरोधी हैं, वो हमारे लोगों का के खिलाफ दोहरा चरित्र इस्तेमाल करते हैं, एक हाथ से प्रेम करते हैं, दूसरे हाथ चाकू घोंपते हैं, तो ऐसे लोगों को, मक्कार लोगों को सबक सिखाने का काम जो है हम सब लोग मिलकर करेंगे।